प्रिय छात्रों, आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के धौलपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। आपकी किताब खुली होनी चाहिए, किताब में से आपको देखना है, सुनना है, उसके बाद जो मैं पीडीएफ भेजूंगी उसको देखकर लिखना भी है। सुनिए आगे। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे कानिकुंज ब्राह्मण परिवार से थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई और वे रेलवे में नौकरी उन्होंने कर ली। लेकिन स्वाभिमानी सब होने के कारण उन्होंने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी। वहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई, आपसी बातचीत, इसलिए उनको वहाँ से निकलना हुआ। आप सन 1930 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका संपादन में काम करते रहे। सन 1938 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। तो इनकी जन्म और मृत्यु की तिथि आपको याद करनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक प्रखर व्यक्तित्व के बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचन, निबंधकार, संपादन, भाषा वैज्ञानिकता, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर सामने आए। आपने 1920 तक सरस्वती के संपादक का कार्य किया और हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थित करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों, यानी जो उस वक्त साथ काम करते थे, कवियों एवं लेखकों का साहित्यिक रचना में मार्गदर्शन भी किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान यानी सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक एवं विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोध एवं परिनिष्ठता के गुण पाए जाते हैं। इन्होंने काव्य मंजूषा, सुमन, अबला, विलास आदि रचनाओं का संग्रह इकट्ठा किया, यानी इन्होंने लिखा। और विनोद, विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी, भामिनी विलास आदि की भी रचनाएं इन्होंने